दो या तीन महीने पहले मैंने 35 kg के डंबल्स से 10-10 रिपीटेशंस के दो सेट्स लगाए थे, एंड तभी मैंने सोच लिया था कि सोच तो नहीं लिया था लेकिन मेरे अंदर एक चाह बन गई थी कि मुझे 50 kg के डंबल्स इंक्लाइन डंबल प्रेस करने हैं। मैं कोई भी कंपाउंड मूवमेंट नहीं करता हूँ, लाइक बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो इंक्लाइन डंबल प्रेस है वो मैं जिम के स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ। एंड मैं इसको स्टार्टिंग से कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, लेकिन इसका मेन पॉइंट यही है कि मैं इसको वीक में दो बार हिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें हैवी जाता हूँ, एंड हैवी में वीक में दो बार नहीं जा सकता क्योंकि मेरी फिर अपर चेस्ट होती है वो रिकवर नहीं हो पाती है। हाँ, तो आज मैं 40 kg के डंबल से 10 रिपीटेशंस लगाने की ट्राई करने वाला हूँ। इसके पहले का जो वीक था, जो मंडे था, तब मैंने 40 kg से 9 रैप्स लगा लिए थे लेकिन फिर 10th रैप नहीं लगा पाया था। मुझे 10 रिपीटेशंस के दो सेट लगाना पड़ेंगे ताकि मैं 45 kg के डंबल से फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस करना स्टार्ट कर सकूं, एंड फिर मैं 50 kg के डंबल फाइनली उठा पाऊं। अभी अगर मैं 50 kg के डंबल उठाऊं तो मे भी शायद एक या तो फिर दो रैप्स होंगे, वो भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रीक गॉड जैसे फिजिक बनाने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल्स है वो पहला तो चेस्ट है, दूसरा शोल्डर्स है। शोल्डर्स इसलिए क्योंकि शोल्डर्स की वजह से ही आपको एक एक्स फ्रेम, एक्स तो नहीं वाई फ्रेम मिलता है। अगर आपके कोर्स भी अच्छे होंगे तो आपको एक्स फ्रेम भी मिल जाएगा, लेकिन मेन तो शोल्डर्स एंड चेस्ट ही होता है। एंड चेस्ट से एक मस्कुलर लुक आता है जो अगर आप टी शर्ट या तो फिर शर्ट पहनोगे तो भी आप अच्छे लोग हो। एंड आज हम लोग चेस्ट एंड शोल्डर से ट्रेन करने वाले हैं। चेस्ट में हम लोग पहले तो इंक्लाइन डबल प्रेस, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आज 40 kg के डबल से 10 रैप्स लगाने की ट्राई करूंगा, एंड फिर चेस्ट के लिए दूसरी एक्सरसाइज हम लोग केबल फ्लाइज लगाएंगे, एंड शोल्डर्स की भी हम 3 एक्सरसाइज लगाएंगे, एंड फिर लास्ट में श्रग्स करके वर्कआउट को ख़त्म करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर से जिम तक का जो रास्ता है उसमें हम डायरेक्टली ऐसे सीधे नहीं जाते है। उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऐसे करके है, तो बीच में अंडर ब्रिज आता है। बारिश की सीजन जब होती है तो वो पूरा अंडर ब्रिज पानी से भर जाता है, एंड आप लिटरली उस अंडर ब्रिज से नहीं जा सकते। लेकिन एक और रास्ता है, लेकिन उसमें भी एक अंडर ब्रिज है एंड वो भी भर जाता है, इसलिए ना तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं ना तो इस रास्ते से जा सकते हैं। इसलिए हमने ये एक नया रास्ता ढूंढा है जहाँ से हम जिम जा पाएंगे। Yeah. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, I just myself.
इंक्लाइन डंबल प्रेस के मैंने 10 रैप्स लगा लिए थे 40 केजी के डंबल्स, एंड मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था ही कि मैं लगा लूँगा। 10वां रैप्स मुझे पता है कि थोड़ा सा रॉन्ग था एंड मैंने अपनी बॉडी के फोर्स से ऊपर किया था, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन। एंड फिर हमने केबल फ्लाइज लगाई जिसमें भी मैंने एक सेट ज़्यादा लगाया, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरी चेस्ट नेक्स्ट थर्सडे को हील नहीं होने वाली है, इसलिए मेरा नेक्स्ट पुश डे बेकार जाने वाला है, लेकिन चलेगा। आज मैंने ये पीआर लगाया, लेकिन अभी भी 45 केजी के डंबल से मुझे सेट लगाने के लिए 40 केजी के डंबल से 2 सेट लगाना पड़ेंगे, एंड उन दोनों सेट में मुझे 10 रेप्स चाहिए, तभी मैं 45 केजी के डंबल पे शिफ्ट कर पाऊंगा अपने आप को, एंड फिर फाइनली हम 50 केजी के डंबल उठा पाएंगे।